मैं यहाँ आप लोगों का सम्मान करते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब मैं पहले आदरणीय राज्यपाल साहब से मिला था तो राज्यपाल साहब के पास मैं लेके आया था पनवेल का एक सवाल जो सबसे जुड़ा हुआ था कि आरोग्य के बारे में था कि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वैद्यकीय अधिकारी मेडिकल ऑफिसर नहीं था। सर मुझे बोले आप चिंता मत करो, मैं भी सीएस से लिखता हूँ, आपको मिल जाएगा और मैं आपका आज आभार प्रदान करता हूँ आपको कि आपको मिलने के बताओ क्योंकि मैंने सीएम साहब को भी लेटर लिखा था जो सुधीर साहब उनके वैसे उनके संपर्क में थे, लेकिन आपने मुझे बोले थे कि ये मिलेगा जरूर करें, जब क्यों नहीं होएगा, ये आपका जो आश्वासन किया हुआ था। उसके बाद अचानक मुंबई के एक संस्था ने मेरा भी सत्कार आपके हाथों से किया, फिर ऊर्जा मिलने में बोला आप मेरे को इतनी ऊर्जा दे रहे, मेरे को आशीष दे रहे हैं, तो ये आपका आशीष पूरे महाराष्ट्र में, मैं भी देख रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र भी संभाल रहे थे, बीच में गुजरात भी संभाल, गोवा भी संभाल रहे थे और ये करते समय आप पूरी महाराष्ट्र में बोलबोल कर रहे थे, सबको जाके मिले थे। करिए आप हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ जिला में आके महार के महार की जो परिस्थिति देखी, मैं आपका भारी आभारी हूँ, आपको कृतज्ञतापूर्वक आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ जो ऑफिसर है सब लोग हमारे गिरीश गुणेश सर रहेंगे, जो डॉक्टर है पनवेल के देवो जी को कहते हैं, कमिश्नर ऑफ पनवेल देशमुख सर है जो गणेश जी देशमुख है, श्री गणेश जी उनके नाम से कहते हैं, सुधाकर जी देशमुख है हमारे, प्रशांत जी रसाल है, गोले मैडम है, सुजाता जी गोले मैडम, सभी डॉक्टर है पर जो जिनका भी मैं नाम नहीं लेता अपना प्रस्तुत किया, आपको सुनना हम है इसीलिए हम आए आपके दरबार में, हम इसलिए आए कि ये दरबार पनवेल में और रायगढ़ में न्यू बॉम्बे में जितने भी लोगों ने कोविड काल में बहुत बढ़िया काम किया था, जो मैंने खुद देखा था कि पहले दिन से ये लोग हैं जो हमारे तहसीलदार रहेंगे, बात करेंगे, कलेक्टर नाम रहेगी, आज अदिति तो आने वाली थी लेकिन सीएम साहब ने उनको मना ही किया है कि रायगढ़ छोड़ के जाना नहीं, इसलिए कलेक्टर मैडम, प्रांत सर और अदिति मैडम आई है, अदिति मैडम ने स्पेशली आपको थैंक्स दिया है कि आपको परसों मिली थी, तो कल उनके ओएसडी है जो सालवे सर, उन्होंने बताया कि सर को बता देना नमस्कार, तो आप उसका स्वीकार करेंगे। आप सभी को जो मेरी मुझे मुझिया व्यक्ति है जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक शक्ति है, मेरी वाइफ है जो सामने बैठी है आप में, रूपा जी करूँ उनका तो नाम लेना चाहिए, शाम को खाना मिलना है और ये सब जो प्रोग्राम का पूरा हालात कैसे क्या करना है क्या नहीं, ये पूरा मैनेजमेंट, ये मेरे मैनेजमेंट गुरु है जी, मैनेजमेंट गुरु है, तो ये सब बोलती कि ये करना है ये करना है, ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए, इसलिए इतना आज भव्य दिव्य और राजभवन में जो गुरुजी के साथ राज्यपाल साहब के हाथों से आपको गौरव दिया अभी होने वाला है। तो मुझे आज ये बात कहनी है कि रायगढ़ में सर ये लोग जो रायगढ़ थाना ये जो ऑफिसर है ये ना कि बस गवर्नमेंट के कानून से चले बल्कि उसके पास जाके इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और तात्या साहब के बारे में तो क्या बताऊं, ये तो हमारे फैमिली मेंबर है। तात्या साहब का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब तात्या साहब मेरे घर पे प्रोग्राम के लिए पहले आए थे तो तात्या साहब कितने सिंपल है, बदमाशी होकर भी कितने सिंपल है, तो मेरे घर में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी पत्नी बैठी थी जो भी एक कलाकार है भारती मंगेशकर जी, मंगेशकर फैमिली से मेरा रिश्ता सबको मालूम है, तो तात्या साहब जाके उधर नमन पूरा नमन किया, मैं बोला सर आप बोलते हैं नहीं इन लोगों का जिंदगी में मंदिर बनने वाले हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो तात्या साहब के पास से मैं वह सीख लिया, जो प्रकाश आमटे बाबू साहब मेरे घर पे आए थे, चिंतू ताई आई थी, तो उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, जैसे मैं आप सभी लोगों से जितने सत्कार मिलते हैं जिस हिसाब से हाथों से हो रहा है, मुझे इतनी खुशी है कि सर आप इन लोगों का गौरव कर रहे हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात करता हूँ, कल अगर महाराष्ट्र के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखा हुआ है कि साफ निकल जाके महाराष्ट्र के महान में नमन किया, सर अगले बार आप अगर मेरे को संधि देंगे, आप चांस देंगे या कोई भी, तो महाराष्ट्र में इस बाहर में जितने भी लोगों ने काम किया है गवर्नमेंट के ऑफिसर से कोकण डिवीजन से यादी लेके उनको कुलदैवत, यानी कि हमारा जो अपना कुलदैवत रहता है, ये बाहर में जो काम किया है सभी ने संस्थाओं ने डिवीजन में, तो ये गवर्नमेंट से यादी लेके उनको कुलदैवत पुरस्कार से, जैसे कि आप लोगों को आज कोविड संजीवनी संजीवनी है हनुमान जी ने दिया था, और अपनी संस्कृति भारतीय संस्कृति में हनुमान जी और संजीवनी अलग नहीं कर सकते, तो इसीलिए गुरुजी के हाथ से
आपका सम्मान हो रहा है। मैं आपको सभी का कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, आप आए। मेरे सभी दोस्तों संघर्ष समिति के जितने भी कार्यकर्ता है उनको भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और मैं प्रास्ताविक यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद गवर्नर साहब जी, तात्या जी, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।